यूटीवी नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बंजारा हिल्स के इलाके केबीआर पार्क के अतराफ व अकनाफ में सख्ती के साथ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। वाज़े रहे नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से केबीआर पार्क पर क्राइम और चोरियों के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसी के मद्देनज़र सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन इंचार्ज डीसीपी एआर श्रीनिवास ने केबीआर पार्क के इलाके का खास मुआयना किए और सेफ्टी के ताल्लुक से जायजा लिए। बताया जा रहा है फिलहाल 70 सीसीटीवी कैमरास केबीआर पार्क के अतराफ व अकनाफ लगाए जाएंगे और जीएचएमसी भी इस खास मुहिम में मदद करेंगे 100 सीसीटीवी कैमरास लगाकर। तमाम केबीआर पार्क में आने वाले अफराद से गुजारिश की गई कि अपने सामान की और अपने आप की हिफाजत खुद करें। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। यूटीवी नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कई महीनों में केबीआर पार्क के चारों तरफ थोड़े एक दो इंसिडेंट हुए, उसको नजर में रखते हुए आज मैं हमारे जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब और एडिशनल डीसीपी सिद्दीकी, हमारे एसीपी डीसी इस्लावत जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और थोड़े जनरल पब्लिक से भी यहाँ बात करने के बाद थोड़े हम लोग ओके 4 स्टेजेस में इस प्रोग्राम का जो भी इधर सिक्योरिटी का मसला है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज कई हम लोग डिसीशंस लिए। इसमें एक तो पार्क के अंदर जो पब्लिक वॉक करने आते सवेरे और शाम, उनके लिए सेफ्टी के लिए उनके लिए क्या करना है, किस तरह का इधर लाइटिंग है, कैमरास का सिस्टम क्या है, वो सब मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल से भी हम लोग अभी समझे। उसके बाद बाहर का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पब्लिक जो आउटर पेरीफेरी में वॉक करते उसके लिए क्या करना है, कई कैमरास काम नहीं कर रहे, कई लाइटिंग पोल्स भी थे इससे पहले इंस्टॉल करे सो, कई इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी काम नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब भी नहीं काम कर रहे। सो आज ये पूरा हमारा मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग का यही मतलब इंटेंशन था कि ये पूरे जितने भी लाइट्स है वो पूरे फिर काम करें, जितने भी सीसीटीवी कैमरास नहीं काम कर रहे थे वो भी काम करें, और जिधर ज़रूरत है कैमरास नए कैमरास को इंस्टॉल करना, और जिधर भी लाइटिंग कम है उधर भी लाइटिंग और ज़्यादा बढ़ा के 100% ये वुमेन जो भी वॉक कर रहे या मेन ओल्डर पीपल वॉक कर रहे सीनियर सिटीजन, वो सबकी सेफ्टी नज़र रखते हुए आज हमारे डिप्टी एक जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब भी आज हमारे को ये वादा दिए कि 100 लाइट्स तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स तक ये लोग इंस्टॉल करेंगे, और हम लोग भी सीएसआर या बाकी जितने भी गवर्नमेंट फंड्स है उसको यूटिलाइज करते हुए करीब 70 सीसीटीवी कैमरास का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। आगे एक महीने में ये पूरा 100% यहाँ पे पूरा जो भी हम लोग सोच रहे थे कि लाइटिंग कैमरास और सिक्योरिटी बढ़ाने की इधर जो भी हमारा पब्लिक का मांग था 100% एक महीने में ज़रूर ये पूरा होगा। आज से शुरू करके एक हफ्ते में पूरा लाइटिंग का भी फिर 100% जीएचएमसी ऑफिशियल्स भी अभी एग्जामिन कर रहे हैं, वो एक हफ्ते में लाइटिंग का काम हो जाएगा। उसके बाद में आउटर पेरीफेरी के जितने भी गेट्स थे, कई उसमें गेट्स भी फंक्शनल नहीं है, वो आज शुरू करके वो गेट्स भी एक 1 वीक में, 10 दिन में हमारे जोनल कमिश्नर साहब बोले कि वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद में ये सीसीटीवी कैमरास का थोड़ा इसका वायरिंग वो सब टाइम लगता, उसके भी वेंडर Thank you.
right now we are in a kind of working, but in a kind of